आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। शुक्रवार को दिगंबर जैन समाज के 10 लक्षण पर्व शुरू हो गए। 10 दिवसीय दस लक्षण पर्व में मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में छिपी टोला के निर्मल सदन में 10 दिवसीय विद्योदय शावक संस्कार शिविर शुरू हो गया। पर्व में पहले दिन मुनिश्री ने उत्तम क्षमा धर्म के ऊपर प्रवचन दिए। दिगंबर जैन धर्म परंपरा में दस लक्षण पर्व आत्मशुद्धि के पर्व होते हैं, ये कहना है मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज का। शुक्रवार से मुनिश्री के सानिध्य में छिपिटोला के निर्मल सदन में 10 दिवसीय विद्योदय श्रावक संस्कार शिविर की शुरुआत हो गई। दिगंबर जैन समाज के दस लक्षण पर्व शुरू हो गए हैं। पर्व में पहले दिन मुनिश्री ने उत्तम क्षमा धर्म के ऊपर प्रवचन देते हुए भक्त जनों से कहा कि आज व्यक्ति छोटी छोटी बातों में आपस में मतभेद कर लेते हैं। इन मतभेदों को उत्तम क्षमा का भाव मन में लेकर दूर किया जा सकता है। इन में जिनवाणी सुनने से काफी पुण्य मिलता है। पर्वराज पर्युषण पर्व का ये पहला दिन, जिसकी शुरुआत उस क्षमा धर्म से होती है। हर व्यक्ति यह जानता है क्षमा कैसे होती है, क्या भीतर घटित होता है कि तब क्षमा हमारे जो मेरे उस आत्मीय धर्म को प्रकट नहीं होने देता है। अब थोड़ा सा बातों को विराम दे दें, चर्चा बाद में कर लेंगे, व्यवस्था बाद में हो जाएगी अच्छे से बैठ करके। हम यदि कुछ पाना चाहते हैं अपने जीवन में तो पहले उस कारण को समझें जो बाधक कारण माना जाता है, जो जिंदगी में बैरियर के रूप में, अवरोधक के रूप में उपस्थित हो जाता है, हमें मंजिल तक पहुंचने नहीं देता है। जो व्यक्ति उस बाधक कारण को अच्छे से जान लेगा, उसे दूर करके अपने भीतर उस गुण को बहुत आसानी से प्रकट कर लेगा। दशलक्षण पर्व के पहले दिन मुनिश्री ने विद्योदय श्रावक संस्कार शिविर में भाग ले रहे श्रावक श्राविकाओं को हमेशा क्रोध से दूर रहने का आह्वान किया। मुनिश्री ने कहा कि क्रोध से बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, अतः हमें कभी किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपनी क्षमा, अपने क्रोध को थोड़ा सा बाइफर्केशन देना शुरू करो, विभाजित करना शुरू करो। ठीक है, घर में आप बिना अपेक्षा के नहीं रह सकते, लेकिन जहां मंदिर में आ रहे हो, प्रभु के निकट बैठ रहे हो, और यहीं पे आकर के क्रोध से आग बबूला हो जाओ, इसलिए कि मैंने थाली सजा करके लाया था लेकिन सामने वाला आकर के मेरा द्रव्य लेकर के बैठ गया, और बहुत आधे घंटा लगाई आपने मेहनत की पूरी अष्ट द्रव्य की थाली सजाने में, अब आप देख रहे हैं कि मेरा सारा का सारा द्रव्य गायब हो गया, कि दूसरा आया, तीसरा आया, उसने ले लिया, वो ये समझा कि तो मंदिर की थाली लगी हुई है, पुजारी लगा देते हैं तो हमारे लिए भी आ गई होगी, ले लिया। अब उस समय आपकी थाली गायब हो गई, द्रव्य गायब हो गया, आप ये सोच रहे मैं पूजा कैसे करूं, है ना, सारी मेहनत मेरी पानी में फिर गई, सारा मेहनत सारा पुरुषार्थ चला गया, और आप भगवान के सामने चिल्लाने लगते हैं, चिल्लाने नहीं लगते, आग बबूला हो जाते हैं। यदि ऐसा हो जाए, मान लीजिए आप लोगों के साथ, तो क्या उस समय यह नहीं रास्ता अपनाया जा सकता, ठीक है जितनी द्रव्य उससे ही कर ले। दशलक्षण पर्व में विद्योदय श्रावक संस्कार शिविर के शुभारंभ कार्यक्रम में विभिन्न शहरों से मुनिश्री के काफी भक्त निर्मल सदन पहुंचे। संस्कार शिविर में भाग ले रहे भक्तजनों के भाव गुरुवर के प्रति देखते ही बन रहे थे। निर्मल सेवा सदन में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज के सानिध्य में विद्योदय श्रावक संस्कार शिविर के रूप में आज मनाया गया, जिसमें बाहर से आए हुए कई श्रद्धालुओं ने और आगरा से बैठे हुए कई शिविरार्थियों ने भगवान का पूजन, भक्ति भाव से पूजन अभिषेक कर इस पर्व को मनाया। आज उत्तम क्षमा के दिन हमने क्षमा धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करने का संकल्प लिया कि सभी जीवों के प्रति हमारी क्षमा भाव रहे, और आगे 9 दिन क्रमशः कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे, जिसमें प्रतिदिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम और पूरे दिन कुछ ना कुछ चर्चा, भक्तांबर का पाठ एवं प्रतिक्रमण आदि पूरे दिन कोई ना कोई क्रिया होंगी। ये पर्व आत्मशुद्धि का पर्व होता है, जैन धर्म में इसकी बहुत महत्ता है। महापर्व दशहरा व्रत आरंभ हुए हैं, आज पहला व्रत क्षमा पर्व का दिन है। इसी के अवसर पर आज एक संस्कार शिविर का आयोजन
आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के अनुवाद सिद्ध श्री वीर सागर जी महाराज विशाल सागर जी मथुरा सागर महाराज परम सानिध्य में आज यहाँ प्रारंभ हुआ। इसमें देश से अनेक जगहों से आगरा से पूरे आगरा क्षेत्र से अनेक पूरे देश से शिवरात्रि आकर यहाँ पर आज उन्होंने पूजा अर्चना करी, क्षमा भाव को महत्व को समझा। आज महाराज जी ने हमको वीर सागर महाराज जी ने क्षमा भाव का जो महत्व है आज वो हमको इतने अच्छे समझाया सटीक उदाहरण देकर, इससे हमारा मन प्रफुल्लित हुआ। और हम यही सबसे प्रार्थना करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिविर में आकर बैठें और धर्म लाभ लें और 10 लक्ष धर्म को अच्छे से समझें और अपने जीवन में उसको उतारें। 10 दिवसीय विद्योदय श्रावक संस्कार शिविर में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज और मुनि श्री धवल सागर जी महाराज के सानिध्य में शिविर में भाग लेने वाले भक्तजन पूरा दिन साधु का जीवन व्यतीत करेंगे। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।